हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो दोस्तों, आपके सामने वंस अगेन आप लोगों के सामने है फटाफट इंग्लिश का एक बेहतरीन सेशन, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और सेशन क्या है आपके देखते हैं यहाँ पे, दिस बुक इज रिच डैश इन्फॉर्मेशन, है ना। तो सेंटेंस है और इसके चार ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। तो बच्चों ध्यान रखो कि पहले मैं आपको थोड़े से यूजेस बता देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो रिच वर्ड का, है ना। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान रखो कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं आपके वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन। ये आपके एक कॉन्सेप्ट होता है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है आपके वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन को। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब भी एक कोई पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो बेसिकली अपने साथ में पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन लेता है ना। ध्यान रखना इस बात को कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अपने साथ में एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन लेता है ना। और ये जो वर्ड्स होते हैं इनकी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, ये आपके नाउन भी हो सकते हैं, ये आपके वर्ब भी हो सकती है, ये आपके एडजेक्टिव भी हो सकते हैं ना। सो इनके बाद में बेसिकली एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसे हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, जिसे ये फिक्स प्रपोजिशन भी बोल दिया जाता है ना। प्रपोजिशन ऐसे फिक्स कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन आता है ना। हम बोल देते हैं भाषा में, लैंग्वेज में इस्तेमाल कर देते हैं फिक्स प्रपोजिशन, लेकिन वो आपके फिक्स प्रपोजिशन नहीं होता, वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होता है ना। एक पर्टिकुलर उसका मीनिंग होता है, एक पर्टिकुलर उसका सेंस होता है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर प्रपोजिशन वहां पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं आप लोगों के सामने बात करूं, ये वर्ड है रिच, ठीक है। अब रिच आपके एडजेक्टिव है, रिच मैन आप लोगों ने सुना होगा, रिच फैमिली आप लोगों ने सुना होगा, रिच मैन, रिच फैमिली एटसेट्रा, इस तरीके से आप बहुत बार इस्तेमाल करते हैं रिच वर्ड का, जिसका मतलब होता है अमीर होना, ठीक है। अच्छा, द रिच का प्रयोग जो है वो बेसिकली हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, और ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अमीर लोग होते हैं उनके पूरे क्लास को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली द रिच वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। अर्थ क्या होता है इसका, अमीर लोग, अमीर लोगों का समूह जो हो गया वो आपके द रिच कहलाता है, राइट। अच्छा जी, है ना। अगर हम बात करें भैया कि क्या रिच वर्ड अपने साथ में कोई पर्टिकुलर प्रपोजिशन ले सकता है क्या, ठीक है, बिल्कुल ले सकता है ना। कब, अगर मान लो हमें बेसिकली किसी चीज़ का लार्ज अमाउंट दिखाना होता है ना, कोई चीज़ जो है बहुत बहुतायत में हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, लार्ज अमाउंट अमाउंट ऑफ समथिंग, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे मीनिंग देखेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे मीनिंग देखेंगे ना, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो किसी चीज़ से पूरी तरीके से भरी हुई है, या फुल ऑफ समथिंग हम बोल दें, फुल ऑफ समथिंग, ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कौन से प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, इस रिच वर्ड के साथ में इन प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट आपके क्या हो ना, रिच का प्रयोग हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्मेल के लिए आ जाता है, फ्लेवर के लिए आ जाता है, टेस्ट के लिए आता है, रिच स्मेल, रिच फ्लेवर, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में हम प्रयोग कर लेते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कब हम इस रिच के साथ में इनका प्रयोग करते हैं, जब हमें किसी चीज़ का लार्ज अमाउंट दिखाना हो साहब, है ना। कंटेनिंग सेंस क्या होता है आपके, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोलूँ कि साहब आपके, जैसे कि आपके सिट्रस का जो फ्रूट होता है ना, कि सिट्रस का जो फ्रूट होता है वो किस में रिच होता है साहब आपके, वो विटामिन सी के साथ में रिच होता है साहब आपके, है ना। सो मैं क्या बोलूँगा, सिट्रस फ्रूट इज रिच इन विटामिन सी, तो किसके अंदर रिच है, वो रिच है वो साहब आपके विटामिन सी में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर विटामिन सी बहुतायत में है ना। सो बेसिकली जब आप रिच इन बोलते हो तो उसका अर्थ क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, फुल ऑफ समथिंग, कोई चीज जो है वो किसी चीज से भरी हुई है, फुल है, बहुतायत में उसके अंदर मौजूद है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिच इन का प्रयोग करते हैं ना। सो प्रपोजिशन कौन सा आता है आपके, रिच इन आएगा, जिसका अर्थ मैंने बता दिया आप लोगों को, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत आयत में होना, बहुत अधिक मात्रा में होना, बेसिकली आपके रिचन कहलाता है, ठीक है। चलो इधर देखो आपके यहाँ पे, है ना, सेंटेंस आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, क्या है सेंटेंस देख लो, दिस बुक इज रिच डैश इन्फॉर्मेशन।
फॉर नहीं, विद नहीं, ऑफ नहीं, सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, इन प्रेपोजिशन आपके सही होगा। इनका प्रयोग करोगे तो सेंटेंस आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, ये आपका आज का फटाफट इंग्लिश का सेशन था। अगर आप लोग बच्चों जो है बेसिकली इंटरेस्टेड हो प्लस कोर्स खरीदने के अंदर, क्योंकि बेसिकली मेरे से आप अगर ग्रामेटिकल कोर्स जो है वो डिटेल में पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है। और चूंकि क्योंकि मेरे ग्रामेटिकल कोर्स एसएससी के अंदर चल रहे हैं, अगर आप बैंकिंग और रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। वहाँ पे मेरे कोर्सेज नहीं चल रहे, लेकिन वहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम आपके Harsh11। ठीक है, तो Harsh11 रेफरल कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस कोर्स खरीदने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करें, कितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप खरीदना चाहते हैं वो चूज करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है। अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली आप कौन से रेफरल कोड का इस्तेमाल करें, वाईफाई एसएससी रेफरल कोड का इस्तेमाल करें। अगर आप बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली आप बैंकिंग और रेलवे के लिए Harsh11 का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बैंकिंग के लिए आप Harsh11 का प्रयोग कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, है ना। ध्यान रखो, जैसे ही आप बेसिकली इस्तेमाल करोगे इस कोड का, है ना, आपका जो अमाउंट है वो 10% डिस्काउंट के साथ में रिड्यूस हो जाएगा 4800 से, देखो जहाँ पे 4300 रुपये हो गया। तो छोटी सी चीज़ है जिसका आप लोग ध्यान में रखना। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं रेगुलर आपको वन वर्ड की क्विजेस डालता हूँ, मोरल स्टोरी डालता हूँ, वहाँ पे मैं मोरल स्टोरी डालता हूँ, वन वर्ड की क्विज डालता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेगी, सो ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पेज, है ना। आप मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालते हैं। सो बच्चों, बने रहो हमारे हमारे साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।